जैसे यहाँ से इस पर मैं फ़ोटो लूँगा अभी, और कुछ इस टाइप का है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो भी देखिएगा काफ़ी अच्छा। मतलब इधर मतलब पूरा स्ट्रीट ही मतलब कैफ़े है, स्ट्रीट कैफ़े है पूरा ये, तो इधर बैठने का है। गाइज वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं 5 और व्लॉग हो रहा है शाम से स्टार्ट, क्योंकि आज व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो व्लॉगिंग कर रहा हूँ बट कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, आप सब इस मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग का, थोड़ा फिर मैं परेशान था तो फिर मैंने अभी 5 बज के और मैं सोचा कि अब कर दूं कंटिन्यू व्लॉग को। तो गाइस अभी फ़िलहाल 6 बज चुके हैं और मुझे अभी बाहर जाना है अर्जेंट, कहीं मुझे कहीं मतलब घूमने के पर्पज़ से जाना है व्लॉगिंग के से, तो फिलहाल अभी निकलते हैं, मैं रेडी हो गया। व्लॉग भी आज मैंने लेट स्टार्ट किया था क्योंकि सुबह से मैं थोड़ा अपसेट था, तो इसलिए मैंने 5 बजे व्लॉग स्टार्ट किया था। अब बज गए 6, तो मुझे कहीं बाहर जाना है, तो व्लॉग में आके पता चली जाएगा आपको कहाँ जाना है, तो बने रहना व्लॉग में। तो गाइस फिलहाल अभी मैं मेट्रो पहुँच गया हूँ, अभी मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और अब मेट्रो में एंट्री करते हैं। तो फाइनली मेट्रो में बैठ चुके हैं और अब चलते हैं, फिर मिलते हैं डेस्टिनेशन पर। तो गाइस फाइनली मैंने जो एंट्री किया मेट्रो से वो साकेत है, साकेत से किया और यहाँ पर आया हम स्ट्रीट कैफ़े जो है साकेत के अंदर, काफ़ी फेमस है, मैं आया नहीं हूँ, फर्स्ट बार आया हूँ। तो एक फ्रेंड है मेरा सचिन, वो लेके आया है, हीरा, हेलो, तो इसके साथ आया हूँ मैं आज। ये काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहा था कि साकेत चलें, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं पहले घूमता नहीं था, अब थोड़ा घूमने का थोड़ा मन करता है और व्लॉग करने का मन करता है, तो फिर मैं आ गया और आपने देख ही लिया, आज मैंने व्लॉग काफ़ी लेट करा था, तो अभी चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने मेट्रो से एग्जिट करके मैं आ गया ये साकेत मेट्रो स्टेशन से एग्जिट किया था जो मैंने, और मैं आया हूँ अभी साकेत में चंपा गली है, ये साकेत मेट्रो स्टेशन है, थोड़ा ही पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आ गया, स्ट्रीट रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो अंदर चलते हैं। यहाँ से ये एंट्री गेट है, इधर से मेट्रो का जो आते हैं मेट्रो से इधर से आना होगा और इधर से एंट्री, इसके अंदर ही सारे रेस्टोरेंट है, स्ट्रीट रेस्टोरेंट, यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रीट है इधर लेफ्ट राइट सब जगह, और फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस फाइनली अंदर इसके स्ट्रीट रेस्टोरेंट के अंदर मतलब एंट्री कर दिया मैंने, और अंदर चलते हैं और अंदर रेस्टोरेंट देखते हैं और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लोर करेंगे कुछ। यहाँ से ये रेस्टोरेंट पहला जो मतलब मुझे दिखा है ग्रीन व्यू करके, ये है एंड स्ट्रीट, एक इधर भी है इधर साइड में एंड एक एरा और स्ट्रीट एरा। तो यहाँ से हो गया स्ट्रीट कैफे स्टार्ट, एक एरा एंड बराबर में भी है, मतलब साउथ साउथ कैफे, यहाँ फोटो शूट के लिए काफ़ी अच्छा है, और स्ट्रीट में कुछ ऐसा है मतलब अंदर इधर भी जा सकते हैं और जो भी मतलब घूम सकते हैं पूरा प्रॉपरली, तो कुछ इस टाइप का है। यहाँ से भी स्ट्रीट कैफ़े के अंदर आ गए हैं और ये हम आए सबसे अंदर वाले के अंदर, तो इधर मेरे इधर की साइड एक रेस्टोरेंट है, इसमें नीचे भी फ़ोटो शूट के लिए एंड ऊपर भी, काफ़ी अच्छा बना रखा है और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और नाइट में तो काफ़ी अच्छा ही है। तो अभी अंदर चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम मेट्रो से एग्जिट करके हैं साके से, अभी चंपा गली में आ गए हैं, चंपा गली स्ट्रीट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर अभी नीचे तो हमने यहाँ पर फोटो वगैरह ले ली और अब चलते हैं ऊपर रेस्टोरेंट में, ऊपर का भी रेस्टोरेंट देख के आते हैं। और इधर इस तरह से जाना होगा तो सचिन भाई फ़ोन लेके जाएंगे मेरा, और फिर चलते हैं भाई के साथ। भाई स्टेयर्स देखो, भाई हिल रही है हल्की हल्की स्टेयर्स, और भाई चल गया ऊपर और हम भी भाई के साथ जा रहे हैं। भाई मतलब टोटली भाई इतना मस्त है ना भाई, इतना मज़ा आ रहा है भाई, मैं तो बता भी नहीं सकता, और अमित भाई इतने एंजॉय कर रहे हैं ना बहुत। तो एक रेस्टोरेंट इधर भी है तो, और ऊपर भी जाना होता है। भाई अमित भाई सबसे पहले आए, देखो झूला झूल रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी इस झूले पे आ गया हूँ स्ट्रीट कैफे में, ये जो चंपा गली गए साकेत की तरफ है ये, तो यहाँ पर आके अभी मतलब ऊपर भी जाएंगे रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए, तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं झूले पे ही मतलब थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और फिर चलेंगे ऊपर। तो अभी फिलहाल इस स्टेयर से चलते हैं ऊपर। काफ़ी
इंजॉय करा और काफ़ी मज़े मतलब मज़े करके और अब जा रहे हैं बाहर। फिलहाल अभी हम यहाँ पर आके मतलब के ऊपर वाले कैफे में आके मतलब बैठ गए कुछ खाने पीने के लिए और इधर ये मतलब वॉल सा लगा रखा है, मतलब इसमें जो पर्दा सा है इसमें मतलब सॉन्ग चल रहे हैं। ये जो इसका मेन्यू है ये कुछ इस टाइप का है, यहाँ से स्कैन करो एंड इसके अंदर सारे मतलब प्राइस वगैरह हैं इसके स्ट्रीट फूड के। अभी फ़िलहाल मैंने ये एक स्ट्रीट कैफ़े में मतलब आके एंट्री ऊपर एंट्री करके कुछ खा पी के अब नीचे आ गए हैं और अब चलते हैं बाहर। फूड के अंदर तो मतलब घूम लिया काफ़ी रेस्टोरेंट में, मतलब स्ट्रीट फूड में कुछ उधर जाके हमने कुछ खाया भी था और अब जा रहे हैं भाई की तरफ मेट्रो की तरफ क्योंकि टाइम हो गया 9 और मुझे जल्दी से घर जाना है, यहाँ से 1 घंटा लगेगा घर जाने में, तो चलते हैं। भाई मेट्रो को एग्जिट कर दिया और काफ़ी रात हो गई है, मे बी 10:30 बज गए हैं, घर जाने में लेट हो रहा है, तो मेट्रो का ही मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से। फाइनली घर आ चुके हैं और अभी मैंने खाना भी खा लिया और लेट हो गए थे आने में वहाँ से जहाँ पर मैं गया था, साकेत गया था मैं और वहाँ पर जो चंपा गली था वहाँ रेस्टोरेंट था स्ट्रीट रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया मैंने और काफ़ी मतलब फ़ोटो शूट भी किए, काफ़ी अच्छी जगह थी, ऐसा लगा था कि कहीं बाहर आ गए हैं। तो यहीं दिल्ली में बहुत अच्छी चीज़ें घूमने वाली नाइट में तो बहुत अच्छी अच्छी है, नाइट में ही मैंने प्लानिंग करी थी क्योंकि मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं करा था, 5 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया था, तो फिर मेरे एकदम इमीडिएट प्लान बना कि मुझे वहाँ जाना है, तो फिर मैंने मतलब साकेत चंपा गली का मतलब डिसाइड किया और मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पर काफ़ी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छे स्ट्रीट में रेस्टोरेंट बना रखे हैं, मतलब पूरे उसमें उसको चंपा गली बोलते हैं, उसको नाम जो उसका पूरा है चंपा गली करके नाम फेमस है, तो पड़ता साकेत में ही है, गेट नंबर 2 से मेट्रो से एंट्री की थी मैंने एग्जिट किया था, तो उसके बस जस्ट बराबर में ही जाके गया, ज़्यादा दूर भी नहीं है, काफ़ी इंजॉय किया। आई होप आपने हमारे ब्लॉग में इंजॉय किया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और जिसने जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जो रेड सा बटन आ रहा है उस पर पुश कर दें, उस मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे मतलब थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा आपका, तो आप सपोर्ट करोगे थोड़ा जब भी अच्छा अच्छा होगा, जब भी मतलब थोड़ा एक अंदर से आएगा कि हाँ मैं भी व्लॉगिंग कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ज़्यादा फॉलो करें, मतलब मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।